ओम शांति। इतिहास में कई महापुरुषों की जीवन गाथा हमने सुनी है। कितने दयावान महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों के दुख को अपना समझ खुद कष्ट झेलते हुए भी उनका उद्धार किया। दया करुणा हम सभी के अंदर मौजूद है। जब हम किसी अभावग्रस्त इंसान को देखते हैं या किसी को दर्द में देखते हैं तो हमारा दिल भर उठता है और हम उसकी मदद के लिए आतुर हो उठते हैं। दुनिया में दान करने वालों की और सेवा करने वालों की कमी नहीं है। जगह जगह फ्री में शिक्षा, इलाज, भोजन, कपड़ों की व्यवस्था की गई है। फिर भी दुखों का अंत क्यों नहीं होता? आखिर क्या कमी है जीवन में जो पूरी नहीं हो पा रही? घरों में कितनी अशांति है, आपस में लड़ाई झगड़े। वास्तव में इंसान की बाहरी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही है लेकिन आंतरिक नहीं। एक शरीर को भोजन, वस्त्र, इलाज, रहने का स्थान इत्यादि की आवश्यकता है जो कि पूरी हो भी जाती है, परंतु उससे अंदर से प्यार, विश्वास, सुख, आनंद, शक्ति की आवश्यकता है। आत्मा की यात्रा बहुत लंबे से चल रही है। इतने सारे जन्म लिए हैं आत्मा ने कि वो अपनी असली पहचान, असली घर व अपने सच्चे साथी को भी भूल चुकी है, भटक रही है। उसे सच्चा प्यार, सच्ची शांति चाहिए। इस लंबी यात्रा के दौरान बहुत सारे घाव लग गए। अपने गुण भूल जाने के कारण बहुत सारी बुराइयां अर्थात विकारों ने प्रवेश कर लिया और उन विकारों के जाल में आत्मा फंस चुकी है। वो चीख रही है, मुझे निकालो, परंतु उससे निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं सिवाय परमात्मा के। धन दौलत सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला है। उसके जीवन में निस्वार्थ प्यार नहीं मिल रहा, तो जरूरत है वो सच्चे स्नेह की, एक्सेप्टेंस की। हर आत्मा को हम स्वीकार कर पाए। अगर वो क्रोधी है तो जरूर किसी जन्म में उसने अन्याय का सामना किया होगा, तब वो क्रोध से भर गया। अगर वो गलत राह पर चल पड़ा है तो समझना है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। यदि उसे दूसरों को दुख देने में मजा आती है अर्थात उसके मन को कभी ना कभी बहुत ठेस पहुंची है, कोई खूनी आतंकवादी भी बना है तो जरूर उसने किसी अपने को खोते हुए देखा होगा या कुछ बहुत बुरा होते हुए देखा होगा जिससे वो बदले की भावना से भर गया है। जिसका जितना बड़ा दुष्कर्म वो आत्मा उतनी ही कमजोर है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस आत्मा के प्रति कंपैशन रखें, उसे कमजोर से शक्तिशाली बनाए। उसके लिए बहुत प्यार व सहनशीलता की आवश्यकता है। प्रेम की मरहम से उनके सारे घाव भरे जा सकते हैं। उन्हें उनकी कमजोरियों की याद ना दिलाएं, बल्कि उनकी जो अच्छाइयां हैं, विशेषताएं हैं, उस अनुसार उन्हें कार्य दें, उन्हें अप्रिशिएट करें। गलती हो जाए तो भी माफ कर दें। उनके बुरे संस्कारों को हमें परिवर्तन करना होगा, उनके अभी के संस्कारों पर ध्यान ही ना दें। जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं उसी पर ध्यान रहे। मुश्किलें आ सकती हैं पर हारना नहीं है। कड़े संस्कार हैं, थोड़ा समय तो लग सकता है। झुकना, माफ कर देना है, उनकी हर इच्छा का सम्मान करना है। अपनी इच्छाएं थोपनी नहीं है,
परफेक्शन की उम्मीद किसी से ना करें। हम स्वयं अभी कहां परफेक्ट बन पाए हैं। जहां कंपैशन है वहां भय, घृणा, हर्ट हो नहीं सकता। जिसके लिए हम ये कर रहे हैं उसे लाचार या बेचारा समझकर नहीं बल्कि अपना भाई समझकर करना है। भगवान हमें आत्मा के रूप में, हमारे ओरिजिनल रूप में देखते हैं। कितना सुंदर था हमारा ओरिजिनल रूप। उन्हें हमारी बुराइयां नजर ही नहीं आती। यही प्यार हमें शक्ति देता है और हम ऊपर उठ पाते हैं। हमें भी अपने साथियों को, उनके रोल्स के पीछे छुपे इंसान को, आत्मा को देखना है। आत्मा बहुत ही प्यारी है। यदि शरीर व उनके रोल को ही देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम उनसे सच्चा प्यार कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, मैं आत्मा सभी को आत्मा ही देख रही हूं। हम सभी आपस में एक परिवार है। परमात्मा हमारे पिता हैं। हर आत्मा बहुत प्यारी है। मुझे सबका कल्याण करना है। मैं विशेष हूं। मुझे विश्व में प्यार की वाइब्रेशंस फैलानी है। पूरा विश्व मेरा परिवार है और ये मेरी जिम्मेवारी है। ओम शांति।